झाड़ियाँ तो तेजी से आगे बढ़ रही है, तो अगर बालवीर समय पे नहीं आया तो? दादी मासी, अब बालवीर पर भरोसा रखिए, बालवीर ने हमें इससे भी बड़ी मुसीबतों से बचाया। हाँ दादी मासी, और मुझे पूरा विश्वास है कि बालवीर इस बार भी हमें बचा लेगा। बालवीर जल्दी करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। बालवीर तुम हिम्मत मत हारना, थोड़ा और तेज संभल के बालवीर। तो बच्चों, हिस्ट्री के इस सरप्राइज टेस्ट के जवाब लिखने का समय आपके पास है सिर्फ एक घंटे। ओके, एक घंटे के अंदर आप लोगों को ये जवाब लिखना है और पास आउट होना है। रोहित, मैं क्या बोलता हूँ, देख हमारे पास डिजिटल नोटबुक तो है ही, और उसके अंदर क्वेश्चन पेपर भी है, और उस क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर लाइन से लगे हुए हैं। तुम क्वेश्चन पेपर का वेट क्यों करें, चल आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोंटू बॉस, आज जो टेस्ट है ना वो हिस्ट्री की है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो आंसर्स निकाले वो ज्योग्राफी के। अबे हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या, सब सेम टू सेम है, एक में राजाओं के नाम होते हैं और एक में शहर के, आखिर होते तो नाम ही है ना, समझा, सेम टू सेम। वाह बॉस, क्या सही पकड़े हो। अंटा, क्या गपशप कर रहे तुम दोनों? कुछ नहीं सर। हाँ, वो लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे थे, है ना? लास्ट टाइम रिवीजन? हाँ। ये नोटबुक साथ में क्यों रखी है? कॉपी करने वाले दोनों? नहीं, अरे सर वो क्या ना, हम राइटिंग पैड घर बुलाए तो लिखने के लिए कुछ था नहीं, इसीलिए नोटबुक के ऊपर हम पेपर लिखने वाले हैं। देखिए ये नोटबुक खाली है पूरी। अच्छा बताओ। ये देखिए। हाँ सर, ये देखिए, ये नोटबुक खाली है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए देखिए, ओके ओके। ले, तो बच्चों, योर टाइम स्टार्ट नाउ। थोड़ी देर पहले मैं, बच्चे और डुबा डुबा वहां खड़े थे, तो हमारी परछाइयों की वजह से झाड़ियां रुक गई थी, लेकिन जैसे हम लोग हटे, हमारी परछाई हटी, वैसे ही झाड़ियां आगे आना शुरू हो गई थी। इसका मतलब कि जब भी झाड़ियां किसी परछाई को देखती है तो वो रुक जाती है। भटकाती परी, आप तुरंत जाइए और चारों तरफ परछाइयां बना दीजिए, क्योंकि जैसे ही झाड़ियां परछाई को देखेंगी वो रुक जाएंगे, और फिर बालवीर को भी थोड़ा समय मिल जाएगा। जल्दी कीजिए भटकाती परी। जी रानी परी।
तू भी मेरे साथ रह के इंटेलिजेंट हो गया है। मैं तो पहले से हूं ही ना बच्चों। अरे आ गए कहां से इतने अकड़ बुद्धिलोक के लोगों में, फेर दिया हमारी सारी योजना पर पानी। चिंता मत करो तौबा तौबा, ये परछाइयां ज्यादा देर तक दीवार को रोक नहीं पाएगी, और अगर इनको लगता है कि बालवीर इन दीवारों को तोड़ने के लिए कोई उपाय लेकर आएगा तो इनकी आशा कुछ ही देर में निराशा में बदल जाएगी, क्योंकि बालवीर घातक लोक से कभी वापस नहीं आ सकता। द्वार तो अपद होने ही वाला है, मैं इस बहादुर बालक की कोशिश को नाकाम नहीं होने दूंगा। महायोद्धा ये क्या किया आपने? मेरी चिंता मत करो बालवीर, मैं द्वार को बंद होने से रोकता हूँ, तुम जल्दी से निकल जाओ। नहीं महायोद्धा, हम यहाँ से जाएंगे तो साथ में जाएंगे, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। चलिए महायोद्धा जल्दी चलिए। एक बूढ़े के लिए अपने परिलोक बताओ पे मत लगाओ बालवीर, मेरा हसीन लोक तो वैसे भी कब का नष्ट हो गया होगा, इससे पहले की दीवार तुम्हारे परिलोक को नष्ट कर दे उसे बचा लो। तुम्हारे पास समय बहुत कम है बालवीर, तुम निकलो जाओ। लेकिन महायोद्धा, जाओ अपने परिलोक को बचा लो। खुश रहो बालवीर। मैं आपके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा महायोद्धा, परिलोक को मैं किसी भी हाल में बचा के रहूंगा। आते बच्चों, मैंने आप सबके पेपर्स चेक कर लिए हैं, किसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, किसी का एवरेज रहा है, पर दो बच्चे ने तो कमाल कर दिया है। रोहित देखा ये कमल हमने किया है, अब देखना मैं फर्स्ट आऊंगा और तू सेकंड, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम कॉपी करके पास हुए। और वो दो बच्चे, वो दो गधे ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री के पेपर में, हिस्ट्री के टेस्ट में ज्योग्राफी के आंसर्स दिए हैं। अब सबको बता ही दो ये गधे असली में है कौन। हाँ बेटा जरूर बताऊंगा, देखो बेटा एक तो जो तुम्हारे पीछे बैठा है रोहित। हाँ रोहित। और दूसरे तुम खुद हो। देखा बस मैंने कहा था ना आपको। आजा बच्चों सुनो, इन लोगों ने क्या लिखा। सवाल था हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जवाब में इन्होंने लिखा है नॉर्थ पोल। दूसरा क्वेश्चन था पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, और जवाब में इन्होंने लिखा है जून से लेके सितंबर तक। मांटू और रोहित
तुम दोनों के जवाब एकदम सेम टू सेम है, यानी कि तुम दोनों ने कॉपी किया है और वो भी गलत। लेकिन सर शट अप, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो। तुम दोनों की पनिशमेंट ये है कि आज से लेके एग्जाम तक तुम दोनों 3 घंटे नहीं बल्कि 6 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करोगे, समझे? शातिर परी है नहीं भरोसा उस बालवीर का, है आ सकता वो बड़े से बड़े संकट को पार करके वापस, इसलिए आ जाए वो यहाँ और बचा ले सबको, उससे पहले हटा दो भटकाती परी का जादू जल्दी से। ठीक है तो अब आता परीलोक कान देखने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, अब और प्रतीक्षा नहीं करते हैं। अब ये रेत परीलोक में जाते ही भटकाती परी का जादू समाप्त कर देगी और ये दीवारें फिर से आगे बढ़ने लगेंगी। एक बार फिर से आपने असंभव को संभव करके दिखाया है, हम सबकी जान को बचाया है आपने बालवीर, हम सबको आप पर गर्व है। हाँ बालवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आप सभी से क्षमा मांगना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ सहना पड़ा लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप परीलोक की सैर करना चाहते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं, अब आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है। हाँ, करेंगे, करेंगे। शुक्रिया रानी परी, हमें पता था कि आपके और बालवीर के रहते हुए खतरा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, लेकिन अब हम सब जाना चाहेंगे। हाँ रानी परी, आपकी ये
जादू की दुनिया बहुत अद्भुत है, लेकिन अब हम हमारी जादू की दुनिया में जाना चाहते हैं। हमारी जादुई दुनिया? हमारे दुनिया में कौन सा जादू है पापा? हाँ बोलिए ना। अरे भाई बहुत सारे जादू है। सुबह 9 से 5 की नौकरी का जादू, स्मिता का बनाया हुआ खाना खाने का जादू, आप लोगों की स्कूल का जादू, और स्कूल में मोंटू की दादागिरी का जादू, हमारे रॉकी की बेवकूफियों में बापूजी को फंसते हुए देखने का जादू, हमारे लल्लू बल्लू की शरारतों का जादू। बल्लू लल्लू भाई इतने सारे जादू हैं, और ये छोटी छोटी खुशियां हैं ना, उसमें हम बहुत खुश हैं। अगर आप सभी की यही इच्छा है तो हम आपको पृथ्वी लोक पर भेज देंगे। अरे रुकिए रुकिए, जाने से पहले आप सब मुंह मीठा करके जाइए। हाँ आज तो ये मिठाई खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये मिठाई खट्टी क्यों है? अरे बापूजी पहले देखिए तो सही। नखत परी अब आप ये मिठाई सारे मेहमानों में बांट दीजिए। जी। आप लीजिए। क्या बढ़िया मिठाई है, ऐसी बढ़िया मिठाई तो हमारे पृथ्वी लोक पे भी नहीं मिलती। हाँ बाबूजी, हमारे यहाँ ऐसी नहीं मिलती, तो आप वहां नहीं खाएंगे, यहाँ जितनी चाहे खा लीजिए। तो चलिए अब आप सबको हम पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परियों। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। न्यू दिल्ली से सलीम खान, सपोल बिहार से मोहम्मद सबीर अलाम, गुड़गांव से भव्य गोयल, नरोली सिलवासा से मितुल टिक्कू, सीतामढ़ी बिहार से प्रभात कुमार, पुणे महाराष्ट्र से सकीना सैयद, भावनगर गुजरात से दृष्टि कंजारा, और मांगखुर्द मुंबई से मोहम्मद शहीद ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं और हर रोज पेड़ पौधे भी लगाते हैं ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। बहुत अच्छे बच्चे आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है। मैं भी बालवीर बैठ। चलिए दोस्तों देखते आज का खास पत्र। दोस्तों यह है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से प्रत्युष गेदाम ने। दोस्तों प्रत्युष ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा जरूरतमंद बच्चों की मदद करते हैं और उन्हें कपड़ा खाना और किताबें बांटते हैं। बहुत अच्छे, इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहिए प्रत्युष। तो दोस्तों अगर प्रत्युष के ही तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर की है किसी की मदद तो हमें लिखकर भेजिए इस पते पर या फिर लॉग ऑन कीजिए subtv.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बाल वीर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।